जय हिंद बच्चों, ऑन टुडे नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सेकेंड चैप्टर ऑफ द पार्ट सेकेंड, दैट इज द वेव ऑप्टिक्स। द सेकेंड पार्ट ऑफ द 12th बुक इज द ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स बेस्ड। तो मोस्टली फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट इज द टोटली डिपेंडेंट ऑन द ऑप्टिक्स, एंड यू हैव ऑलरेडी स्टडीड व्हाट इज द ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। अरे साइंस कौन सा ब्रांच? फिजिक्स। ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द लाइट। ऑप्टिक्स क्या है? ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द लाइट। अब ऑप्टिक्स, देयर आर ऑप्टिक्स, टू टाइप्स ऑफ ऑप्टिक्स। फर्स्ट इज द रे ऑप्टिक्स, ऑल्सो कॉल्ड एज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। एंड सेकेंड इज द वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। दिस इज द पार्ट, इंटीग्रल पार्ट ऑफ क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स। जब आगे आप लोग पढ़ेंगे तो क्वांटम फिजिक्स में आप सबसे पहले पढ़ेंगे कि ये रे ऑप्टिक्स या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स गलत है, सबसे पहला ये। तो इसलिए आप कुछ नया चीज सीखने वाले हैं, नया चीज पढ़ने वाले हैं, इसलिए समझे। नहीं तो आप अभी बता दें मुझे, ऑप्टिक्स मतलब होता है लाइट, ब्रांच, एक ब्रांच है फिजिक्स का जिसमें लाइट के बारे में स्टडी करते हैं। तो अब सुने, यहां पर रे ऑप्टिक्स का मतलब क्या है? रे मतलब होता है पाथ ना, अरे लाइट जिस पाथ पर चलती है उस पाथ को ही क्या कहते हैं? रे कहते हैं। तो रे ऑप्टिक्स को ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं। ज्योमेट्री मतलब क्या होता है? ज्योमेट्री को हिंदी में कहते हैं रेखा गणित। हमारे समय में हुआ करता था, आज से 4000 साल पहले, हमारे अपने अपने जमाने की बात कर रहे हैं, हमारे जमाने में आज से 4000 साल पहले, उस समय ज्योमेट्री को हम लोग रेखा गणित कहते थे। हम जब 12th में पढ़े तो मेरे समय में 6 बुक हुआ करता था मैथ का, 6 बुक, ठीक है ना। तो उसमें इधर तो हम एक होता था अलजेब्रा, एक होता था अरिथमेटिक, और एक होता था ये डायनेमिक्स, एक काइनेटिक्स और एक स्टैटिक्स, ठीक है ना। डायनेमिक्स उसी में आता था, हाँ अभी बता रहे हैं। और एक ये ज्योमेट्री, ठीक है, अभी सुने कम है ना, अभी सुने बेटा, इधर सुनिए। तो बुक था, बुक का नाम बोले, चैप्टर टॉपिक का नहीं, तो इधर सुने। तो उसमें इधर देखिए, तो यहाँ पर जो ये ज्योमेट्री का मतलब होता है जिसमें लाइन हो, लाइन। तो बताइए रे ऑप्टिक्स क्या है? एक लाइन, लाइट जो है एक पाथ पर चलती है, स्ट्रेट लाइन पाथ पर चलती है, तो वो लाइन है कि नहीं? एक लाइन सेगमेंट है, लाइन है कि नहीं? तो इसलिए उसको कहते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी। दैट्स दस रे ऑप्टिक्स आल्सो कॉल्ड एज द ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो ये इस पर फर्स्ट चैप्टर था। द सेकेंड पार्ट ऑफ द फिजिक्स ऑफ द क्लास 12th इज द रे ऑप्टिक्स, फर्स्ट चैप्टर, एंड सेकेंड चैप्टर इज द वेव ऑप्टिक्स। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द वेव ऑप्टिक्स। एंड व्हाट इज द वेव, व्हाट इज द वेव, वेव क्या है? वेव इज अ डिस्टरबेंस प्रोड्यूस्ड इन अ मीडियम। जैसे एक काम पुल है, काम पुल अगर है, एक एकदम शांत जल है, काम पुल, पुल माने तालाब, ठीक ना, एकदम शांत जल ऐसे है। शांत जल का मतलब क्या है भाई? शांत जल का मतलब क्या? पानी, पानी उसकी स्थिर है ना, स्टेशनरी है, रुका हुआ है। उसमें आप एकदम ले जाकर के एक कंकड़ फेंक दिए, ठहरे हुए कंकड़ में, ठहरे हुए पानी में कंकड़ ना फेंकना, इधर सुनो, तो कंकड़ फेंक दिया तो उसमें वेव प्रोड्यूस हो जाते हैं क्या? है ना, तो क्या है? डिस्टरबेंस है वो, क्या है? डिस्टरबेंस है। आप क्लास में बहुत डिस्टरबेंस करेंगे, हम 2 घंटा उठ के मार देंगे, वेव प्रोड्यूस हो जाएगी, है ना। हाँ बस बस बच्चा बस, ठीक है ना, मतलब प्रैक्टिकल करके दिखाना। अच्छा सुने, हाँ तो इधर सुने बस, ये आज इसका इसका इंट्रो कर लेते हैं वेव ऑप्टिक्स का, कल से इसका डेरिवेशन शुरू, ओके, बस 5 मिनट बचा इसलिए। तो यहाँ बताएं, तो वेव ऑप्टिक्स, वेव क्या है? वेव इज अ डिस्टरबेंस प्रोड्यूस्ड इन अ स्टेशनरी मीडियम। किसी स्टेशनरी मीडियम में जो डिस्टरबेंस आपने प्रोड्यूस किया है, वही एनर्जी के फॉर्म में जब आगे बढ़ता है तो वही क्या है? वेव है, ठीक है। साउंड इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ वेव, साउंड भी वेव के फॉर्म में ही ट्रेवल करता है, सही है ना, साउंड भी वेव है, लहरें, वेव मतलब हिंदी में कहते हैं लहरें, ठीक है ना, लहरें। नहीं, एको तो तब प्रोड्यूस होता है बेटा, इको जो कहते हैं आप ना, एको तो तब प्रोड्यूस होता है जब 17.5 मीटर की दूरी पर कोई दीवार है और यहाँ से आप चिल्ला, जैसे मूवी में देखे होंगे रेशमा, तो 4 बार रेशमा रेशमा इधर रेशमा, कोई हाँ पहाड़ भी बोल दिए, तो वहां से रिफ्लेक्ट, ये कब सुनाई देता है? जब ये 17.5 मीटर दूर चाहे साउंड
और टकरा करके वापस आए, कोई हिंड्रेंस हो वहां पे, कोई दीवार हो, कोई अवरोधक हो, तो वहां से साउंड टकरा करके वापस रिफ्लेक्ट बैक होती है, तो वही साउंड हमें बार बार सुनाई देती है। ये हमें एक संदेश भी देती है, क्या? अगर आप पहाड़ों पे चढ़ करके एक बार अगर किसी से कहें आई हेट द वर्ल्ड, मैं पूरे संसार से घृणा करता हूं, तो आपको चार बार सुनाई देगा आई हेट यू। अगर आप आई हेट यू बोलेंगे, आई हेट वर्ल्ड बोलेंगे, जो भी, तो चार बार आपको सुनाई देगा, चार बार पांच बार जो भी, तो वो उतने बार आपको हेट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप अगर आप वही कहेंगे आई लव द वर्ल्ड, आई लव दैट थिंग्स that we have already are the God have provided us, जो हमें God दिया है उसको हम प्रेम करते हैं, चाहे वस्तु हो, व्यक्ति हो, कुछ भी है, ठीक है ना। तो वही चीज आपको चार बार सुनाई देगी। तो इसलिए अगर आप अच्छाई बिखेरते हैं तो अच्छाई चार गुनी होकर के वापस आपको मिलेगी, अगर आप बुराई बिखेरते हैं तो वही चार गुनी होकर के वापस मिलती है। तो कर्म जो कर्म कहते हैं आप, कर्मा कर्मा इज नथिंग मच मोर, इट इज ओनली आवर बिहेवियर, आवर रिप्रेजेंटेशन, आवर कम्युनिकेशन स्किल, जो हम आप जो सीधे दूसरे को जो देते हैं सामने, जो हम किसी के साथ ट्रीट करते हैं, बिहेव करते हैं, यही हमारा कर्म है। तो इसलिए हम कोशिश करें कि हमारे मन वचन कर्म से कभी किसी को कोई हानि दुख ना हो। आज भी हम सो करके जगते हैं तो सबसे पहला मेरे मुख से यही वर्ड निकलता है, गॉड, भगवान, खुदा, जो भी हैं, हम जिनको भी मानते हैं, आराधे हैं, हम कहते हैं कि मेरे मन वचन कर्म से किसी को दुख तकलीफ ना हो। और सोते समय यही कहते हैं, अगर मेरे मन वचन कर्म से किसी को दुख या तकलीफ हुआ हो तो मुझे माफ करिएगा। हम हर जगह मंदिर, मस्जिद, चर्च, हर जगह सिर झुकाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं तो हम धर्म में अच्छे नहीं करते। सारे जो धर्म है सबका सार एक ही है, और हमारा आपका जो मनुष्य का सीधा संबंध जो तार है, उस तार भी एक ही है। तो इसलिए मैं सारे धर्मों का उतना ही सम्मान करता हूँ। तो कल बेटा इसका मैंने एक ओवरव्यू बता दिया, वेव ऑप्टिक्स, ठीक है ना। तो क्या है कि वेव ऑप्टिक्स क्या है, वेव ऑप्टिक्स में क्वांटम फिजिक्स का ही पार्ट है। तो वेव ऑप्टिक्स में हम लोग कल पढ़ेंगे कि वेव ऑप्टिक्स है क्या, कैसे पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन जो भी होगा, तो वेव ऑप्टिक्स हम लोग कल शुरू करेंगे। ओके, तो सीधे इसका डेरिवेशन पे हम लोग टॉपिक पे आ जाएंगे कल। वेल, जय जय।